नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। भोपाल में फिर से आवारा कुत्ते ने एक 7 साल की मासूम पर हमला कर दिया, बुरी तरह से उसे घायल कर दिया। कुत्ते ने हमला कर मासूम की आंख को नोच लिया और सिर में भी काट लिया था। बच्चे की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। घटना कोलार रोड स्थित बासखेड़ी की बताई जा रही है। इसी कुत्ते ने 2 दिन पहले घायल मासूम की बड़ी बहन को भी काट लिया था। 8 महीने में ये कुत्ते की हमले की पहली तीसरी घटना है। इस घटना से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं घटना के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और महापौर मालती रॉय सहित जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कमला नेहरू हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर्स और बच्ची से की मुलाकात। साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने बेहतर इलाज को लेकर डॉक्टर्स को निर्देश दिए हैं। अमृत महोत्सव के बाद आज भोपाल पुलिस ने तिरंगे के सम्मान को लेकर इस अभियान की शुरुआत पुलिस विभाग से की। डीसीपी जॉन्स 3 रियाज इकबाल ने अपने ही कार्यालय से तिरंगे के सम्मान को लेकर शुरुआत की। साथ ही थाना कोतवाली क्षेत्र में भी लोगों से अपील की फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार तिरंगे को सुरक्षित रखें। डीसीपी रियाज इकबाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने घरों और कार्यालयों पर गाड़ियों से तिरंगे को सम्मान के साथ सुरक्षित रखें। अगर कोई व्यक्ति या संस्था तिरंगे को प्रतिदिन लहराना चाहता है तो वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत लहरा सकता है, नहीं तो तिरंगे को फोल्ड करके सुरक्षित रख सकता है। हमारे जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो कम्प्लीट हुआ था उसको लेके सभी जगह पे हमने 13 तारीख से 15 तारीख तक जो है हर घर में जो तिरंगा अभियान है उसको चलाया था। ज़्यादातर लोगों को हमने मोटिवेट किया था कि हर जगह पे हम तिरंगा को फहराएं, हर घर में तिरंगा है, हर ऑफिस में तिरंगा फहराएं। छतरपुर जिला के बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र के ग्राम बमनी में 21 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक युवक गांव के पास में निकली श्यामरी नदी पर नहाने गया था। नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। परिजन मृत शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा मलहरा लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। ये हमारे पास पेशेंट चेक कराने के लिए आए थे, आकाश अहिरवार, 21 साल मेल, सन ऑफ शिवचरण अहिरवार, बमनी के रहने वाले थे, थाना बड़ा मलहरा के, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए लेके आए थे यहाँ पर, जिनको प्रथम दृष्टया देखने पर ये मृत पाए गए। इनकी सूचना थाना बड़ा मलहरा भेजी गई है पोस्टमार्टम के लिए और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। छतरपुर जिला के नगर परिषद खुजराहो के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 4 में अन्य वार्डों की तुलना में विकास से अपेक्षित रखा गया है। वार्ड में बिजली के खंभे कई महीनों से बंद पड़े हैं, जिसमें शकरगढ़, विश्वकर्मा कॉलोनी, वजरगढ़ शामिल है। यहां पर नगर परिषद खजुराहो के द्वारा खंभों में एक बल्ब लगा रहता है जो कि दिन भर जलता रहता है और पूरी रोड लाइन बंद पड़ी है। इसको लेकर समाज सेवी गणेश रेकवार कई महीनों से खबर दिखा रहे हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की अनदेखी देखने को मिल रही है। जो इन लोगों ने समस्या बताई है तो वो समस्या कितने दिन तक में निदान हो पाएगी? देखिए, स्ट्रीट लाइट का काम चल रहा है, बहुत जल्द इसमें सुधार हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास की एक सूची स्वीकृत होने के लिए शासन स्तर पर लंबित है, हो सकता है उनके कुछ हितग्राहियों के नाम हो और मैं हितग्राहियों के नाम उनसे और ले लेती हूँ, उसका परीक्षण करवा लेंगे, सर्वेक्षण करवा लेंगे और वो शासन को भेज देंगे, क्योंकि प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय लग सकता है। और प्रधानमंत्री आवास और संबल योजना को लेकर के कुछ मांगे रखी हैं तो वो हम देख लेंगे, जैसा भी नियम के हिसाब से होगा वो सारी कार्रवाई हम कर देंगे। स्ट्रीट लाइट में सुधार चल रहा है, बहुत जल्दी सुधर जाएगा। जो इन लोगों ने समस्या बताई है तो वो समस्या कितने दिन तक में निदान हो पाएगी? देखिए, स्ट्रीट लाइट का काम चल रहा है, बहुत जल्दी इसमें सुधार हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास की एक सूची स्वीकृत होने के लिए शासन स्तर पर लंबित है, हो सकता है उनके कुछ हितग्राहियों के नाम हो
और मैं हितग्राहियों के नाम उनसे और ले लेती हूँ, उसका परीक्षण करवा लेंगे, सर्वेक्षण करवा लेंगे और वो शासन को भेज देंगे, क्योंकि प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय लग सकता है। जौनपुर के सरुखनपुर कस्बे से पुलिस ने एक युवती को हिरासत में लिया है। बता दें कि युवती स्मार्ट वैल्यू कंपनी में लोगों को जोड़ने, हेल्थ संबंधित कार्य करने और स्कूटी दिलाने का लालच देकर लोगों के साथ ठगी करती थी। बताते चले कि युवती ने सरुखनपुर ग्राम पंचायत निवासी एक युवती से भी 4,000 रुपये की ठगी की। पीड़ित युवती ने अपना पैसा वापस करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस को लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस लिखित तहरीर के आधार पर उक्त युवती को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन में लगी हुई है। मुंबई दौरे पर आए मझुआ के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद का जोरदार तरीके से मछुआ समाज एकता संघ ने स्वागत किया। आपको बता दें कि इस स्वागत समारोह का कार्यक्रम मुंबई के मंगल हाई स्कूल में आयोजित किया गया था, जिसमें मछुआ समाज एकता संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। इस स्वागत समारोह का कार्यक्रम संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश बिंद ने किया। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश बिंद ने विधायक से निवेदन करते हुए कहा कि समाज की समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विधायक ने आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी बातों को ध्यान दिया जाएगा और जो समाज के हित में होगा वही कार्य किया जाएगा। स्थापना दिवस संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मछुआ के निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद के हाथों केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें काफी संख्या में बिंद समाज विकास संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेषधर बिंद ने कहा कि समाज को शिक्षा स्वास्थ्य संगठन के साथ साथ समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाना हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध संपत्तियों को सील करने, अवैध निर्माण को ढहाने और अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी। एचआरडीए के द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई से बिना नक्शा पास कॉलोनी काटने और निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार जिलाधिकारी उपाध्यक्ष हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण विनय शंकर पांडे के आदेशों के क्रम से हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार कई अवैध संपत्तियों को सील करने, अवैध निर्माण को ढहाने तथा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। यूपी सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी ने राजनीतिक दलों पर उत्तराखंड में सैनी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है। साहब सिंह सैनी हरिद्वार के सिडकुल स्थित सामुदायिक केंद्र में कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने सैनी समाज की उपेक्षा की, इसलिए विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले भाजपा को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अब भाजपा सैनी समाज की महिला को राज्यसभा भेजकर सैनी समाज को लुभाना चाहती है, तो वो उसकी गलतफहमी है। सैनी समाज अब जागरूक हो चुका है। जब से उत्तराखंड बना है हमारे समाज की हर राजनीतिक पार्टी ने उपेक्षा करने का काम किया है। पिछली बार भी हमने हरिद्वार के करीब पर हर गांव में जाकर अपने समाज को जगाने का काम किया था। हमने ये कहने का काम किया था अपने समाज के लोगों, जो पार्टी आपकी उपेक्षा कर रही है उसका इस बार आप लोगों को बहिष्कार करना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लक्सर के सुल्तानपुर में आयोजित मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा की
सदस्यता ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जीतने में भी विषय लेकर आती है, जनता उन्हें नकार देती है। कांग्रेस बयान सोच समझ कर दे, तिरंगे के बारे में हमने उनकी भारत जोड़ो यात्रा को भी स्वीकार किया। हमारा यह आधान है कि हर घर तिरंगा झंडा लगे, उन्होंने इसे दूसरे रूप में प्रचारित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में भाजपा ही जीत का परचम लहराएगी। पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम नीचे तक की अपनी गतिविधि, क्योंकि बीजेपी का संगठन बूथ स्तर तक है और हम लोग प्रति एक के बाद जो दूसरी चुनौती उसके लिए हम तैयार रहते हैं। हमारे कार्यक्रम उत्साहित हो इस हेतु में नीचे तक बूथ स्तर तक बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री राज नहीं आए तो मेयर पे क्या प्रतिक्रिया करेंगे, उनके लोग उनको कितना मानते हैं? आज तक कांग्रेस, अगर वो उनको कांग्रेस लोग मुख्यमंत्री नेता मानते तो मुझ पर आरोप नहीं लगाते, पहले उनको सुधारो ना जो उन पर आरोप लगा रहे हैं। शाजापुर में राजपूत कर्णी सेना ने प्रेस वार्ता कर भोपाल में होने वाले 8 जनवरी के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया है कि भोपाल में वे अपने 19 सत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। साथ में उन्होंने बताया कि उनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जो हमला हुआ है वो उनका विरोध करते हैं। राजपूत कर्णी सेना प्रदेश सचिव अजीत सिंह डोडिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना हर वर्ग के व्यक्ति को राजपूत कर्णी सेना में पद देंगे और शाहजहांपुर जिले के प्रत्येक गांव में घर घर जाकर अपनी 19 सत्रीय मांगों को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे और 8 जनवरी को भोपाल में एक विशाल आंदोलन करेंगे। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार में जहां एक ओर शिक्षा के अधिकार को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर यह वादे झूठे सामने आते हैं। ताजा मामला शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाली सबसे बड़ी तहसील खनिया धाना के वार्ड नंबर 8 के नीम तलिया क्षेत्र से, जहाँ गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके इसके लिए एक सैटेलाइट विद्यालय की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार में की गई थी, लेकिन वहाँ स्कूल प्रभारी शिक्षकों की मनमानी की वजह से यह विद्यालय बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। स्कूली बच्चों को बैठने के लिए उचित जगह नहीं होने के कारण उन्हें गंदगी और घास फूस में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। फट्टी नहीं है तो ये बोरी तुम कहाँ से लेके आई? घर से लेके आई। रोजाना लेके आती हो कि आज ही लेके आई? रोजाना लेके आती हो। स्कूल में फट्टी नहीं है बैठने को? नहीं है। तो ये गंदगी भी तो है इसमें, तुम्हें मच्छर वगैरह नहीं काट रहे? काटते हैं। कौन? स्कूल वाली मैडम नीचे बैठालती हैं। तो ये फट्टी कहाँ से ले आई तुम? ये फट्टी हूँ अपने घर से लाती। घर से ले आई? बोरी बोरी ले आई तुम? मैं लाती हूँ कुछ फट्टी और कुछ हम लोग लाते हैं अपने घर से। अच्छा, तो अभी तुम आज स्कूल कितने बजे पढ़ने आई थी? हम आज से 11 बजे आते आते के 12 बजे। अच्छा, जानकारी है बन नहीं रही, बना था थोड़ा काम हुआ था फिर हुआ नहीं है, है काम ऐसा ही। तो आपने पूछा नहीं है क्यों नहीं हो रहा इसका काम? तो वो बोलती है ठेकेदार नहीं कर रहा, वो पैसा खाते में डला है। पैसा डला हुआ है स्कूल के खाते में, उसके बाद ठेकेदार काम नहीं कर रहे? अब भी इनका कहना मैडम का जी है ठेकेदार काम नहीं कर रहे, मैडम कह दिए हाँ मतलब ठेकेदार कहते पैसे नहीं दे रहे। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे बच्चों को फट्टी बैठने के लिए नहीं है? ना कोई फट्टी दिख रही है ना कोई सा, बच्चे देख लो मौजूद एक बार परेशान हो रहे हैं, बच्चे पानी में भिंज रहे हैं, भग जाते हैं, पढ़ाते नहीं। कहते हैं मैडम सिर्फ करा देंगे, बैठ बने स्कूल नहीं बनी, यहाँ बैठ दीजिए देखो बैठ नहीं। नहीं तो आपने उनसे बोला है तो वो क्या जवाब? एक बार बोला, क्या जवाब देती हैं? बोले स्कूल बन जाएगी कर देंगे। पिस्ता स्कूल क्यों नहीं बन पाया? पैसा खाते में पैसे खाते में देती नहीं है बस, पैसा की दूसरी जगह हम नहीं करा उस पर काम। अच्छा, हाँ आप लोगों ने कहीं और ऊंचे अधिकारियों से जाके बात की है कभी? उनसे नहीं की है, किसी से बात नहीं, कभी कोई शिकायत की हो? क्या बार आए बहुत सहे कोई सुनते नहीं। अच्छा, ऐसा सुना है बच्चों से काम भी कराए जाते हैं यहाँ पे? दुआ पटवाती हैं सर। क्या है कि इस स्कूल की बिल्डिंग नहीं है अभी, इस विद्यालय की बिल्डिंग भी नहीं है,
इमारत विहीन स्कूल है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है, कभी इधर बैठना पड़ता है, कभी उधर बैठ इसके घर में, कभी उसके घर में। बिल्डिंग की राशि आई है, बिल्डिंग बन रही है, और कुछ ही समय में कोशिश करते हैं, अधिकारी जानकारी लेते हैं क्या बात है, अभी तक क्यों नहीं बन पा रही। पालकों का कहना यह है कि बच्चों से यहाँ पर शिक्षकों द्वारा काम कराया जाता है, बैठने की उनको टाट पिट्टी की व्यवस्था नहीं है और शिक्षक भी समय पर नहीं आते हैं, इस तरह की कई तरह की शिकायतें हैं। हो सकता है सर, हम तो आए हैं कभी चेक करने, तो शिक्षक मिले हैं बाकायदा। हाँ, टाट पट्टी है, मात्रा में कम है, ये बात सही है, मालूम करते हैं, शायद यहाँ बिल्डिंग नहीं है, शायद कंटेंजेंसी ना आती हो, फिर भी कोशिश करते हैं, क्या बात है, दिखवाते हैं, व्यवस्था कराते हैं सर। मंडला ईदगाह कॉलोनी में नंदी बैल 5 दिन से फंसा हुआ था। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से काफी प्रयास किया, लेकिन बैल को निकाल पाने में वो कामयाब रहे। चारों तरफ बहुत गहराई होने के कारण 4 दिन से वहीं पर स्थानीय लोग चारा और पानी की व्यवस्था कर रहे थे। पशु अस्पताल और नगर पालिका में भी कई बार जानकारी देने के बाद भी कोई मदद नहीं मिली। 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद नंदी बैल को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। चलो, महेशमति गौ सेवा रक्तदान संगठन से गौपुत्र दिलीप चंद्रोल। यहाँ पे बैल फंसा हुआ था और बहुत प्रयास यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे थे, लेकिन बैल निकल नहीं पाया क्योंकि चारों तरफ से यहाँ बंद है। बाजू में एक घर है, उसका दरवाज़ा खोला गया और उसके बाद उस बैल को बहुत ही कम से कम 4 से 5 घंटे की रेस्क्यू के बाद बहुत मुश्किल से उसको निकाला गया, क्योंकि नाला यहाँ पर धंसता है। स्थानीय लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों की कड़ी मेहनत के बाद बैल को, अभी नंदी बैल को सुरक्षित निकाल लिया गया है। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय बिछिया में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव अवसर पर घर घर तिरंगे अभियान का सम्मान प्रचार प्रसार करने के लिए जिले वासियों का आह्वान भी किया। साथ ही हाल ही में होने जा रहे नगर पंचायत चुनाव में पार्टी की हिस्सेदारी और बिछिया नगर कार्यवाहक कार्यकारिणी तैयार करने, साथ ही बूथ से लेकर जिला तक पार्टी कार्यकर्ता तैयार करने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया गया। संगठन में जिला अध्यक्ष पीडी खेरवार के साथ उपाध्यक्ष शिव कुमार परते, प्रहलाद झारिया, काशीराम बरकड़े और दुर्गेश उर्के सहित पार्टी कार्यकर्ता के रूप में सदस्यता ग्रहण की। बिछिया में आज आम आदमी पार्टी की बैठक का आगाज हुआ था, जिसमें मुख्य मुद्दे हमारे ये थे कि वर्तमान में नगर पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। नगर पंचायत चुनाव में बिछिया के सभी 15 वार्ड में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी और यहाँ की नगर पंचायत में अध्यक्ष पद की दावेदारी भी आम आदमी पार्टी करेगी। इस मुद्दे को लेकर मुख्य फोकस था हमारा। साथ ही विधानसभा क्षेत्र में हमारा कारवा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने वाले विधानसभा सत्र, विधानसभा क्षेत्र चुनाव 2023 में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ बिछिया विधानसभा क्षेत्र में मंडल के विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। यूपी के संभल में नचेड़ियों ने साथी नचेड़ी की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने 2 नचेड़ियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है। बता दें कि हत्या की वारदात बिनिया पेठेर थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर का काशी का है, जहां एक युवक का जंगल में शव मिला था। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए SSP चक्रेश मिश्रा ने बताया कि मृतक और आरोपी नचेड़ी तीनों एक साथ नशा किया करते थे। मृतक गाली देने लगा, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने डंडा मारकर उसकी हत्या कर दी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद कर 12 घंटे में हत्या का खुलासा कर दिया है। क्या है पूरा मामला? थाना बनिया ठेर के अंतर्गत 16 तारीख को एक 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें एक व्यक्ति, इसका नाम तस्लीम है, इसकी मृत्यु हुई थी। इसके शरीर पर चोट के निशान थे। इसके घर वालों के द्वारा इसको बाग में नशे की हालत में पाया गया था। उसके पश्चात पुलिस के द्वारा तफ्तीश करते हुए 24 घंटे के अंदर इसके 2 साथी, जिनका नाम आकिल और सिराज हैं, ये दोनों मोहम्मदपुर काशी गांव थाना बनिया ठेर के रहने वाले हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से आला कत्ल को बरामद किया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।